हेलो फ्रेंड, मेरे पास एक 4.1 होम थिएटर की किट है जिसकी मैं आपको फुल वायरिंग करके दिखाऊंगा और इनमें हमको जो जो कंपोनेंट लगने हैं हमको सबसे पहले मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, जो कि हमारे पास जैसा देख सकते हैं दो पोटेशियम मीटर जो कि हमारा एक जो एक सिंगल चैनल का है, मेरे पास अभी अवेलेबल 10K का है तो इसलिए मैं 10K का लगा दूंगा। आप कम से कम 50K का लगाइए। और एक मेरे पास 100K का वॉल्यूम पोटेशियम मीटर जो कि हमारे डबल चैनल में है। तो ये हमको दो चीज़ चाहिए होगी। एक हमको चाहिए होगा ब्लूटूथ पैनल, इस प्रकार का मॉड्यूल, और इसके बाद मेरे को चाहिए होगा एक इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है 12012 का, आपको कम से कम 1 से 2-3 एम्पीयर का तक का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। और मैं इसमें जो बाहर के लिए सेटेलाइट स्पीकर लगते हैं उसके लिए मेरे पास अभी 2 स्पीकर अभी अवेलेबल है, तो मैं 2 स्पीकर को चला कर दिखाऊँगा। और मेरे को कुछ चाहिए होगा छोटे छोटे वायर जो कि मैं इस वॉल्यूम को कनेक्ट करने के लिए वायरों का उपयोग करूँगा। तो चलिए, हमको इतना कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले मैं इसके थोड़ा डिटेल बता देना चाहता हूँ जो कि हमारे, देखिए सबसे पहले सप्लाई से हम स्टार्टिंग करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर सप्लाई लिखा हुआ है, और तो सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हमारा जो एक कनेक्टर है, यहाँ पर हमारा 12012 इस प्रकार से कनेक्टर लगेगा। जो हमारा बीच वाला वायर होता है, देखिए तो हमारा वो किसी भी कलर का हो सकता, तो मेरे में 0 वायर हमारा जो है ब्लैक कलर से है, और येलो के जो वायर हैं 12 12 के हैं। तो आप इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे। जो ट्रांसफार्मर के बीच वाला वायर होगा इसके बीच वाले पर रहेगा, लेफ्ट राइट वाले वायर लेफ्ट राइट पर रहेंगे। जो 12 के वायर होंगे, 12 जो लेफ्ट राइट के वायर रहते हैं वो 12 12 वोल्ट के रहते हैं, तो लेफ्ट राइट वाले पॉइंट पर कनेक्ट होंगे। और यहाँ पर जस्ट हमारा स्पीकर जैक दिया हुआ, यहाँ पर स्पीकर के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा ये पैरेलल में हमारे डबल स्पीकर जैक दिया हुआ है, मतलब कनेक्शन एक ही है लेकिन जैक दो दिया हुआ है, एक ही कनेक्शन में 2 जैक दिया हुआ है। चलिए, तो आप एक जैक से आप एक स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं। एक कनेक्शन एक ही है, जैक डबल दिया गया है जिससे कि आप और ज़्यादा कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पास हमारा जो सबवूफर का कनेक्शन होगा यहाँ पास होगा, और जो बेस वाला वॉल्यूम मीटर होगा, तो वो जो हमारा बेस वाला वॉल्यूम कंट्रोल ये बटन होगा तो हमारा यहाँ पास कनेक्शन होगा इस जैक पर, ठीक है। और सबवूफर का कनेक्शन यहाँ पास होगा, और जो हमारे यहाँ पास है साउंड, यहाँ पास साउंड लिखा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पास इनपुट सिग्नल जाएगा जिसके माध्यम से हमारा जो हमारा ऑडियो यहाँ से निकल के जाएगा तो यहाँ पास जाएगा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन मैं करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे ट्रांसफार्मर है, इसमें जैक है, तो इसलिए मैं इस जैक को सिंपली ऐसे इंसर्ट कर दूँ, इस प्रकार से लगा दूँगा जिस प्रकार से, और इसमें चाहे आप किसी प्रकार से लगाइए लेकिन जो बीच ग्राउंड वाला वायर रहेगा वो बीच में रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसके बाद हमारे इसमें देखिए एक हमारा इनवेल्ट हमारा 7805 का रेगुलेटर आईसी दिया, हमारा रेगुलेटर आईसी दिया हुआ रहता है जो कि हमारा यहाँ पास जैक दिया हुआ है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट करेगा जो कि हमारे पैनल को ऑपरेटिंग के लिए सप्लाई मिल चाहिए होता है। तो हमारा पैनल इसे चल जाएगा, इसमें 5 वोल्ट निकाल देने के लिए सिस्टम दिया हुआ जो कि हमारे रेगुलेटर आईसी लगी हुई, ठीक है। तो इस बोर्ड को हम इस प्रकार से करने के बाद देखिए जो हमारा यहाँ पास ये जैक दिया हुआ है, तो यहाँ जो हमारा आ रहा देखिए हमारा जो रेगुलेटर का जो बीच वाला पॉइंट होता है ग्राउंड होता है, और यहाँ इस पर इनपुट सप्लाई हो रही है, मैं आपको मल्टीमीटर से भी कंफर्म कराऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चलिए मैं स्पीकर जैक के कनेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास देखिए 2 स्पीकर है, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ये दिखाना चाहूँगा, मेरे पास 2 स्पीकर है, ये छोटे छोटे 2 स्पीकर हैं। तो इन दोनों स्पीकर का मैं एक एक वायर ले लूँगा और ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर दूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे दोनों वायर को एक साथ मिलाकर ग्राउंड वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दूँगा, क्योंकि दोनों स्पीकर के एक एक वायर को मैं इस बीच वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ। और जो हमारा लेफ्ट का वायर है तो मैं लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट पर, अब लेफ्ट राइट को किसी भी लेफ्ट राइट पर कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों स्पीकर के दोनों एक एक वायर को हमने लेकर ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दिया, लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, ये हमारे 2 स्पीकर कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद फाइनली हमको एक सबवूफर कनेक्शन करना होगा। चलिए मैं सबवूफर कनेक्शन सबसे पहले बाद में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा पैनल होता है, ये हमारे पैनल में VCC 5 वोल्ट के लिए हमारा, देखिए हमारा 5 और V बना हुआ है, इसका मतलब हमारा प्लस सप्लाई इस पर जाएगा, और जो हमारा GND लिखा हुआ है हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी प्रकार से क्या करेंगे कि हम, चलिए मैं इसको सबसे पहले चालू करके और उसके बाद मैं आपको इसके सप्लाई टेस्टिंग करा दूंगा, जिससे कि आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ से सप्लाई दे दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर टच करूँगा तो देखिए हमारा हमिंग आ रहा है, ये देखिए हमारे दोनों लेफ्ट राइट स्पीकर पर दोनों जैसे मैं टच करूँगा तो हमारा हमिंग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमारे ऑडियो सिग्नल इनपुट के पॉइंट है, ठीक है। आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं, जैसे आप टच करेंगे तो ये देखिए ये बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है, हमारे लेफ्ट राइट वाले पॉइंट सिग्नल के हैं, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना होगा, मल्टीमीटर को 20 के रेंज पर DC का सिलेक्ट करना होगा। मैंने मल्टीमीटर को 20 के रेंज DC पर सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद क्या करना होगा, मैं जो हमारा देखिए
जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड है, और इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। देखिए यहाँ से हमारा 5 वोल्ट होते हुए यहाँ पर हमारा जो सप्लाई है 18 वोल्ट इनपुट होने के बाद हमारे यहाँ से रेगुलेटर से हमारा 5 वोल्ट पर कन्वर्ट होकर ड्रॉप होकर इसके बाद हमारे यहाँ पर आता है। तो देखिए जो जैक है, जैक का हमारा इस साइड का पॉइंट ग्राउंड है, यहाँ पर हमारा ये जो देखिए ये हमारा 5 वोल्ट का है, यहाँ से हमारी लास्ट वाली पिन है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट होकर यहाँ पर आ रहा है और इस साइड का पॉइंट हमारा ग्राउंड है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीमीटर को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ। देखिए हमारे जो पैनल में जैसे हमने बताया था, जो हमारा GND वाला पॉइंट होगा ब्लैक कलर का वायर हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा इस जैक के हमारा ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ ग्राउंड वाले पॉइंट को सोल्डरिंग कर दूँगा। और जो हमारा रेगुलेटर का तीसरे नंबर की पिन होती है यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट करता है, तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा। देखिए हमारी जो कि लाइन यहाँ पर हमारी आ रही है, यहाँ से लाइन होते हुए हमारी यहाँ पर आ रही है, देखिए हमारे 5 वोल्ट यहाँ से आउट कर रहा है। और इसके बाद जो हमारे ऑडियो सिग्नल यहाँ से हमारे आउट कर रहे हैं, तो हम चाहे तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को वॉल्यूम मीटर लगाना होगा जिससे कि हम वॉल्यूम के थ्रू कंट्रोल कर सके वॉल्यूम को। तो इसीलिए मैं डबल चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास डबल चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल है और ये हमारा डबल चैनल का है, 100K का वॉल्यूम है, तो इस प्रकार से आपको लगाना होगा। तो मैं इसके लिए छोटे छोटे वायर जो मेरे पास हैं तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं इसमें से एक वायर हमने ब्लैक कलर का ले लिया जो कि हम ग्राउंड के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। और तो देखिए मैं इसके ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ देखिए हमने दोनों पिनों को आपस में मिलाकर इसलिए आपस में जोड़ लिया क्योंकि हमारे दोनों वाले पॉइंट जो हैं ग्राउंड है, इसीलिए हमने दोनों वाले पॉइंट एक साथ मिला लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो वॉल्यूम का इस साइड वाले पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिला लेना है क्योंकि हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट है, ठीक है। और जो हमारा देखिए इस मैं चलिए आपको ये ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया, और लेफ्ट राइट के लिए मैं देखिए वाइट कलर के दो वायर का उपयोग करना चाहूँगा। तो इसी और मैं आपको इस पर सबसे पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करके बताता हूँ फिर। तो देखिए मैंने एक वायर को सोल्डरिंग कर लिया है और बीच वाले पॉइंट से हमारे दोनों जो ऑडियो होगा इनपुट होने के बाद बीच वाले पॉइंट से आउट करके जाता है हमारे जो कि हमारे सर्किट पर जाता है। तो देखिए एक मिनट मैं इसको अच्छा सोल्डरिंग ये किया मैंने और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया है, इसके बाद मैं आपको बोर्ड में इसको सोल्डरिंग करके बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखिए मैं बताना चाहूँगा जो हमारे से ग्राउंड वाला पॉइंट है तो हमारे ग्राउंड से अटैचमेंट हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ से लेफ्ट राइट वाले पॉइंट है तो देखिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ से हमारा सिग्नल इनपुट होने के बाद बीच वाले पॉइंट से हमारा दोनों सिग्नल आउट करता है जो कि हमारे लेफ्ट राइट चैनल के लिए होता है। तो लेफ्ट राइट चैनल के लिए मैं देखिए ये दोनों लेफ्ट राइट चैनल पर यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा। बीच वाले पॉइंटों को दोनों लेफ्ट या राइट वाले पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट होगा वो हमेशा ही ग्राउंड के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, जैसा कि हमारे इसमें बीच वाले पॉइंट पर ग्राउंड दिया हुआ है। तो मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मल्टीमीटर लेना होगा, मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपको पता नहीं है कि ग्राउंड वाला पॉइंट कौन सा है, मैंने बताया कि जो हमारा रेगुलेटर का बीच वाला पॉइंट होता है हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट होता है, ठीक है। मल्टीमीटर की एक प्रॉब को जैसे देखिए हमारे यहाँ पर लगाने पर बजर बजा, इसका मतलब कि हमारा यहाँ ये हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर सेट है, और इसके बाद मैं यहाँ पर टच करूँगा तो मैं देखिए हमारा अगर बजर बजा इसका मतलब हमारा जो बीच वाला पॉइंट है हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है। इस प्रकार से भी आप ग्राउंड को पता कर सकते हैं, और आपने टच किया तो आपको ये बात का पता चल गया होगा कि हमारा जो जैसे इसको टच करेंगे तो लेफ्ट राइट में ऑडियो जो हमिंग करेगा, इसका मतलब हमारा लेफ्ट राइट वाला पॉइंट है। तो मैं लेफ्ट राइट वाले पॉइंट को किसी भी प्रकार से लेफ्ट राइट पर सोल्डरिंग कर देता हूँ, और जो हमारा बीच वाला पॉइंट होगा तो उसको मैं बीच वाले पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए जस्ट आपके सामने सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ये देखिए, और ये लेफ्ट राइट वाले पॉइंट को आप किसी भी लेफ्ट राइट वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड को आपको ध्यान से लगाना होगा जो कि हमारा ग्राउंड होगा ग्राउंड के साथ रहना ही चाहिए। और इसके बाद मैं अब देखिए हमारे जो पैनल का ऑडियो वाला पॉइंट है ये हमारा ऑडियो आउट करता है, तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारा बीच वाला पॉइंट होगा, देखिए मैं आपको इसको भी क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। जो हमारे इसमें ANT एंटीना मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारा ANT लिखा हुआ है इसका मतलब ये देखिए थोड़ा सा ये हमारा ANT लिखा हुआ एंटीना, और उसके बाद हमारा RO मतलब राइट और AG मतलब ग्राउंड, LO मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ग्राउंड राइट ANT एंटीना वाले पॉइंट को छोड़ देना है। उसके बाद हमारा जो साइड साइड के पॉइंट है हमारे लेफ्ट राइट के हैं, बीच वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, इसीलिए हम देखिए हमारा जो ग्राउंड वाला पॉइंट है इसको मैंने ब्लैक कलर के तार को सोल्डिंग कर रखा जिससे कि आपको कन्फर्म ना हो, मतलब सॉरी फ्रेंड कन्फर्म नहीं मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एंटीना वाले पॉइंट को छोड़ने के बाद जो हमारे लेफ्ट राइट पॉइंट लिखे उसको लेफ्ट राइट के साथ सोल्डिंग कर देना होगा, और जो हमारा बीच वाला पॉइंट रहेगा हमारा ग्राउंड रहेगा उसमें हमारा G लिखा रहेगा।
वो हमारा जी लिखा रहेगा, इसका मतलब ग्राउंड है। और जब हमारे लेफ्ट राइट रहेंगे उसमें हमारा जी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें हमारा आर या फिर एल लिखा रहेगा, उसका मतलब हमारा लेफ्ट राइट होगा। और जैसे कि हमने बताया कि ऑडियो सिग्नल इनपुट हमारा यहाँ पर देना होगा, दोनों वॉल्यूम जो वॉल्यूम बटन है इसके दोनों वाले जो पिने हैं पिन है इन पर हमको देना होगा। तो जैसे देखिए हम लेफ्ट को लेफ्ट पे लेफ्ट राइट किसी भी पॉइंट पर आपको इनको सोल्डिंग कर देना होगा, जो कि हमारा ऑडियो इनपुट के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट वाले पॉइंट को सोल्डिंग कर दूंगा, और जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट हो आपके वॉल्यूम के, जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है ब्लैक कलर का दिख रहा है इसी वाले पॉइंट पर, जो ग्राउंड वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको मिलाकर सोल्डिंग कर देना होगा। जैसे कि मैं इसमें सोल्डिंग कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है, मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो देखिए हमारा जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ग्राउंड का सोल्डिंग हो चुका, लेफ्ट या राइट किसी भी लेफ्ट राइट उल्टा सीधा हो सकता तब चल जाएगा, लेकिन ग्राउंड को ग्राउंड से अटैचमेंट करना होगा। जैसे इस बटन को हम धीमा तेज करेंगे वैसे हमारा वॉल्यूम धीमा तेज होगा। और मैं इसको बताना चाहूँगा जो हमारे एक बेस के लिए वॉल्यूम मीटर है, तो इसको हमको वॉल्यूम बटन है तो इसको हमको किस प्रकार से कनेक्शन करना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपको देखिए इस प्रकार से वॉल्यूम को पकड़ने पर जो इस साइड का सबसे लास्ट वाला पिन है हमारा ग्राउंड वाला पिन है, ठीक है, तो इस वाले हम जो हमारा सॉकेट है इसमें हमारा जो ग्राउंड वाला पिन है इस साइड आ रहा है, ठीक है। मैं इसको देखिए एक बार आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट कैसे है। देखिए मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद देखिए मैं दोनों लीड प्रॉप को आपस में सटाता हूँ तो हमारा कंटिन्यूटी बचता है, इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर ठीक है कंटिन्यूटी पर सेट है। और जो हमारा ये हमारा मैंने बताया 7805 को जो बीच वाला पॉइंट होता है हमारा ग्राउंड है, तो देखिए मैंने ग्राउंड वाले पॉइंट पर टच किया, इसके बाद हमारा ये साइड जो पॉइंट अगर ग्राउंड होगा तो हमारा बीप करेगा लगातार और मल्टीमीटर पर 0-0 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या होता है मैं आपको मल्टीमीटर क्लियर करके दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारा जैसे इस वाले पॉइंट पर हम टच करेंगे तो हमारा अगर 0-0 हो जाता है इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ग्राउंड है। तो अब हमारे वॉल्यूम का जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, वॉल्यूम का जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है इस साइड का है, तो इसीलिए आपको वॉल्यूम को कुछ इस प्रकार से रखना होगा और सीधे सीधे कनेक्शन कर देना होगा। तो इसमें मैं आपको इसमें वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैं इसमें वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, और तो इसके लिए मैं दो वायर ले लेता हूँ और एक वायर और मैं ढूंढूंगा, तो इसमें रेड वाला वायर मैं इसमें बीच में कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए मैं इनको वायर पर इस पर वायर कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसमें कनेक्शन कर लिया, देखिए जब हमारा बीच वाला पॉइंट है इस पर हमने ब्लैक कलर का वायर कनेक्शन किया है। तो सिंपली मैंने बताया था कि वॉल्यूम को इस प्रकार से रखने के बाद और इसके सेम कनेक्शन कर देने होंगे। देखिए हमारा यहाँ पर जैक दिया हुआ है, मैं ऐसे कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट, ये देखिए हमारा जो जैक है ये हमारा जैक है, इसी वाले जैक पर हमारा वॉल्यूम बेस के लिए होगा। तो मैं इस पर सिंपली सीधे सीधे कनेक्शन ऐसे ही कर देता हूँ। तो जो हमारा इस साइड का हमारा जो पॉइंट है हमारा ग्राउंड वाला है, तो इसीलिए मैं इसको ग्राउंड के साथ अटैचमेंट कर देता हूँ। मतलब आपको सीधे सीधे कर देना, आपको ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना। देखिए मैं बीच वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देता हूँ। मैं इतने बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आपको किसी भी इस प्रकार के होम थिएटर किट को वायरिंग करने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और तो देखिए इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर दिया है और सिंपली हमारा सभी कुछ कनेक्शन तो हो चुका फ्रेंड्स। अब हमको इसमें एक सबवूफर कनेक्शन करना होगा, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे पास एक जो सबवूफर है मैं उसको बूफर के अंदर पैक रहने दिया हूँ, और हमारे उसमें कुछ सामान तो नहीं लगा हुआ लेकिन इसके अंदर जो हमारा सबवूफर है वो लगा हुआ है। तो चलिए मैं उसको ले लेता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये सबवूफर ले लिया फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा कोई भी तार नहीं कनेक्टेड, हमारा यहाँ से मैंने स्पीकर के वायर निकाल लिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा इसके अंदर जो सबवूफर लगा हुआ ये वाला, ये मैं इसको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये हमारा सबवूफर लगा हुआ है। मैं इसका पर्दा जो जाली हटा देता हूँ, जैसे कि हमारा जब बजेगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा सबवूफर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये जो सिंपल हमारे दो वायर हैं फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर जैक दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ जैक के दोनों वाले पॉइंटों के साथ सोल्डिंग कर दूँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जैक में हमारा कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप किसी पॉइंट प्रकाश में सोल्डिंग कर सकते। देखिए मैं इसको सोल्डिंग, ये देखिए मैंने कर दिया, एक पॉइंट सोल्डिंग हो चुका, दूसरा वाला पॉइंट सोल्डिंग हो चुका फ्रेंड्स, और हमारा सिंपली हमारा ये भी कनेक्ट हो चुका फ्रेंड्स। इसके बाद हमको क्या करना होगा, एक बार पावर देना होगा, तो मैं इसको पावर सिंपली दे देता हूँ फ्रेंड्स। और इसको मैं देखिए फ्रेंड्स हमारे से इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा धीमा किया हूँ फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं इसके बेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा बेस फ्रेंड्स वर्किंग कर रहा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है, मैं इसको इस प्रकार से ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर कुछ रखने की ऐसे कोशिश करता हूँ। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से इसको वॉल्यूम को बढ़ाता हुआ देखिए, हमारा फ्रेंड्स पूरा वर्किंग कर रहा फ्रेंड्स, ये भी हमारा सही है, और हमारे ये सेटेलाइट स्पीकर भी एकदम अच्छे से वर्किंग पूरा कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैं इसमें कोई भी सॉन्ग प्ले करके कोशिश करता हूँ दिखाने के आपको।
डिफरेंट मैंने की, जैसे कि बताया था कि मैंने एक मोबाइल के साथ इसको अटैचमेंट कर लिया। अटैचमेंट करने के बाद और इसमें मैं सॉन्ग को ज़्यादा देर तक प्ले करके आपको नहीं सुना पाऊँगा, तो इसके ऊपर मैं कुछ इसमें रख देना चाहता हूँ जैसे कि आपको कन्फर्म हो जाए। तो मैं इसमें 2 मिनट के लिए सॉन्ग चलाऊँगा और जस्ट बंद कर दूँगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा फिर। तो इसीलिए मैंने सॉन्ग को, मैं इसको चालू करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसके, देखिए हमारे, तो इतना तेज हमारा इसमें बेस आ रहा फ्रेंड्स कि हमारा जो रिमोट भी है वो भी हमारा, ये देखिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एकदम सभी कुछ कनेक्शन एकदम बराबर चल रहा है फ्रेंड्स, हमारे इसमें किसी प्रकार का समस्या कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से कनेक्शन करके आप अपने होम थिएटर में इस प्रकार को किट को इंस्टॉलिंग कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैं इसको वॉल्यूम को डाउन कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप किसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर जरूर बताएँ।